जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज के हमारे आरंभ इनिशिएटिव में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटी और तमिलनाडु की किताब का एक कंबाइंड टॉपिक। सो एज यू नो लास्ट लेक्चर जिन्होंने मेरे साथ देखा था तो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हमने कहा था कि हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपने जो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि एक बार आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, तभी आपको जो है ये कंटिन्यूशन में समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। तो एक तो फॉरेन जो ट्रेड है उसका हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में, आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज रेट की, हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की, जो आज का हमारा फ्रेमवर्क रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनली लिंक होती है थ्रू ट्रेड इन गुड्स, जिसकी वजह से आपका ये पूरा टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और ट्रेड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना जरूरी है। सो इकोनॉमीज आर लिंक्ड इंटरनेशनली थ्रू ट्रेड इन गुड्स एंड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। और हमने देखा था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है वो कहां से हो रही थी, वेस्टर्न यूरोप से हो रही थी दुनिया में, जब ट्रेड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ विद इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट। तो इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नाउ कमिंग टू बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब देखिए, इन दो टर्म्स को मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान से सुनो कि मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके, कि जब हम देख रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी आप किसी और व्यक्ति के साथ कोई भी गुड्स को ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा पर्सन है, दिस इज पर्सन वन एंड दिस इज पर्सन टू, इनके बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, दे आर एंगेज्ड इन ट्रेड। ट्रेड का मतलब ये हो गया कि ये कुछ सामान जो है, गुड्स जो है, इधर से ये वाला व्यक्ति इसको सेल कर रहा होगा और ये इसको परचेज कर रहा होगा। तो जब भी ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल या परचेज हो रहे हैं तो इन गुड्स में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, इस ट्रांजैक्शन का कहीं ना कहीं लेखा जोखा रखा जाएगा। बिना इसके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखे आप नहीं जान सकते कि आप कितना जो है ट्रेड कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ या इन दोनों के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का हम बोल रहे हैं कि हमें एक रिकॉर्ड जो है वो रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया दो व्यक्तियों का, इसी तरह से यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि देयर इज फॉरेन ट्रेड हैपनिंग बिटवीन टू नेशंस, या मान लो दिस इज फर्स्ट नेशन और ये जो है आपका सेकेंड नेशन है। तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जब व्यापार हो रहा है, गुड्स जो है वो खरीदे बेचे जा रहे हैं, और जो गुड्स खरीदे बेचे जा रहे हैं जब उसका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स में डील कर रहे हैं। लेकिन क्या दो देश सिर्फ और सिर्फ गुड्स में ही डील करते हैं, या सिर्फ दो देश जो है वो गुड्स ही सेल और परचेज करते हैं? कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं एग्जाम्पल, अब थोड़ा और स्पेसिफिक करके चलते हैं, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यहाँ हम दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक तो हम डील कर रहे हैं गुड्स के अंदर, कि गुड्स जो हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि हम सामान बेच भी रहे हैं यूएस को और हम सामान यूएस से खरीद भी रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये तो हो गया गुड्स एक चीज, जिसका हमने बोल दिया लेखा जोखा रखा जा रहा है किसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बीओटी। दूसरा हो सकता है कि हम सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज का भी हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे हो रहा है, जितने भी आपके कॉल सेंटर्स हैं, जितने भी आपके आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, जो गुरुग्राम में, चेन्नई में, हैदराबाद में या फिर यहाँ चंडीगढ़ आईटी पार्क में बैठ के बाहर के क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, यूएस के, यूके के, अलग अलग कंट्रीज के क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो सब सर्विसेज क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया से बाहर। और इसी तरह से हो सकता है हम अगर बाहर के किसी कंट्री से कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सर्विसेज का वहां से आयात कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या है आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज, के सर्विसेज का आप कैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए कि एक तो हो गया ट्रेड इन गुड्स, एक हो गया ट्रेड इन सर्विसेज, और इसके अलावा जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है जा रही है, कोई मान लीजिए यूएस की कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, या इंडिया की किसी कंपनी ने बाहर इन्वेस्ट किया, या फिर कह लीजिए कोई बाहर आपका नागरिक जाके काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, कोई दुबई में काम कर रहा है, इंडिया का रेजिडेंट, तो वो बाहर से अगर कुछ पैसा भेज रहा है, वो सारे की सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार ये पैसा जो है ना मेरे देश से दूसरे देश या दूसरे देश से मेरे देश में आ रहा है, राइट। तो हमने बोला एक तो पैसा आ सकता है, जा सकता है ट्रेड इन गुड्स से, एक हो सकता है ट्रेड इन सर्विसेज से, है ना, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और जा सकती है। तो इन सबको हम कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रेड जो है गुड्स का भी देख रहा हूं, मैं ट्रेड जो है वो सर्विसेज का भी देख रहा हूं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में बीओटी में जो ये वाला है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें सिर्फ मैं देख रहा हूं कि गुड्स का कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। तो आप कह सकते हैं कि बीओपी का ही एक कॉम्पोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी काउंट होगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रेड इन गुड्स की, यानी कि जो भी साजो सामान आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की यदि बात की जाए तो बीओपी क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो हमने बात करी रिकॉर्ड कीपिंग है किस चीज का, ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक में हमने क्या बोला कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं इन गुड्स एंड सर्विसेस, और फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ जो भी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आ रही हैं जा रही हैं, जो भी आप दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। सिमिलरली देखिए जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड किस चीज को रेफर कर रहा है, द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज एंड टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर आपने मान लो जो एक्सपोर्ट किया इंडिया से अमेरिका को, जो हमारा एग्जाम्पल था कि आपने एक्सपोर्ट किया फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट वॉज वर्थ रुपीज मान लो एक्स, ठीक है, और जो आपने इंपोर्ट किया अमेरिका से दैट वॉज वर्थ रुपीज जेड, तो आपका बीओटी हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा नेट में एक्स माइनस जेड। इसका आप निकाल लेंगे कि कितना वैल्यू का आपने एक्सपोर्ट किया और कितनी वैल्यू का आपने इंपोर्ट किया, उसका आप जब नेट निकाल लेंगे, उसका आप जब बैलेंस निकालेंगे, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इस पे याद रखिए यूपीएससी कई बार जो है, कई दफा जो है सवाल इस पे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। चलिए फिर अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसमें देखिए आपके पास एक तो है करंट अकाउंट और एक आपके पास है कैपिटल अकाउंट। कि हम देख रहे हैं जो क्रेडिट एंड डेबिट हो रहा है, मतलब कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, दीज क्रेडिट एंड डेबिट आइटम्स आर शोन वर्टिकली इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंट ऑफ एनी कंट्री, हॉरिजॉन्टली दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट्स और ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स अकाउंट। तो देखो करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। करंट अकाउंट में हम उन सब चीजों को काउंट कर रहे हैं जहां पे पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है, इन्वेस्टमेंट कहां पे यहां पे कोई भी नहीं है। तो करंट अकाउंट में हम डील कर रहे हैं कि जो भी आपका ट्रेड हो रहा है, या फिर आप कह लो जो भी आपके एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जो भी आपके एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी आपके इंपोर्ट्स हैं, चाहे हम उसको गुड्स के बारे में बात करें या फिर हम उसकी सर्विसेज के बारे में बात करें, वो सारा कुछ किसके अंदर आएगा, वो सारा कुछ आएगा आपका करंट अकाउंट के अंदर। जो भी आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी, वो सारा किसके अंदर इंक्लूड होगा, करंट अकाउंट के अंदर। जब बात आती है कैपिटल अकाउंट की,
तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर कह लीजिए जो भी कोई आपने किसी कंट्री को लोन्स दिए हैं या आपने किसी कंट्री से लोन्स लिए हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है ना एसेट क्रिएशन वाली बात हो रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है आपके देश के अंदर, कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो सारा पैसा कैसा है वो आपके यहाँ पे आके कुछ ना कुछ जो है ना एसेट को क्रिएट करवा रहा है, वो हम किसके अंदर रखते हैं, वो हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो याद रखिएगा जितने भी हम जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने बाहर के किसी भी कंट्री से कोई भी सामान, कोई भी टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इवन अगर आपने कोई भी मान लीजिए डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट भी इंपोर्ट किया है, जैसे मान लीजिए आपने रशिया से कोई मिसाइल सिस्टम मंगवाया या फिर आपने फ्रांस से कोई फाइटर जेट्स मंगवाए रफाल की तरह, तो वो सारे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही हम लिखेंगे, उसका लेखा जोखा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर ही रखा जाएगा। तो वो किसमें आएगा, वो आ जाएगा आपका करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, जिसको हम आज ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर, FDI एंड FII। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो हमने देख लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है यानी कि क्रेडिट हो रहा है, जो रिसीट में आया है, माइनस जो भी पैसा हमारा जा रहा है, मतलब कि दिस इज मनी विच इज कमिंग, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वो मनी है जो बाहर जा रही है, मतलब कि पेमेंट में जा रही है, डेबिट हो रही है। तो ये हमारे को बता रहा है कि कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है, यानी कि डेफिसिट माइनस में और सरप्लस प्लस में। तो अगर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कम आ रही हैं आपके पास, तो आपके पास नेट इनवर्ड जो मनी आ रही है, मतलब कि जो रिसीट्स आ रही हैं वो कम होंगी। अगर रिसीट्स कम होंगी, मान लीजिए जो बाहर से पैसा आया वो है सिर्फ 1 लाख रुपए, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए कि बाहर से जो पैसा आया वो है 1 लाख रुपए, लेकिन जो आपने खर्चा किया, जो आपने इंपोर्ट करके सामान बाहर से मंगवाया और उसके बदले में आपने पैसा दिया, वो था मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो आपका बैलेंस ऑफ जो पेमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। लेकिन ये किसमें है, डेफिसिट में है, माइनस में है, क्यों, क्योंकि आपने रिसीट में आपके पास आया था 1 लाख, जो आपने खर्चा किया वो था 2 लाख, तो माइनस का 1 लाख आया, यानी कि इतना आप डेफिसिट में चल रहे हैं। यदि आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे, मान लीजिए ये 2 लाख हो जाए और ये 1 लाख हो जाए, तो फिर ये प्लस का 1 लाख हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सरप्लस। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें देखने को मिलता है कि या तो सरप्लस में हो सकता है या फिर डेफिसिट में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कितने आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खर्चे आप कर रहे हैं, एंड उसमें इंपोर्ट्स ज्यादा हैं या फिर उसमें एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं, उस चीज पे ये निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि देखो अगर जो है डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बोल रहे हैं कि वो डेफिसिट में चल रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल प्लेन लॉजिक, सिंपल मैथ्स आपका, कि अगर आपको देनदारी आपकी ज्यादा है, आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, तो आप किसमें हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं, है ना, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, आपकी देनदारी कम है, तो आप सरप्लस में चल रहे हैं। चलिए फिर, अब एक्सचेंज रेट इसके साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है कि एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि हम जब भी ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसीज जो हैं उसकी भी हमें जरूरत है जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। क्यों जरूरत है हमें, क्योंकि जब आप बाहर से सामान मंगा रहे हैं, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात कर रहे थे, तो अगर आप यूएस से कुछ सामान मंगा रहे हैं, तो आपके यूएस के जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, जो यूएस से आपको सामान भेज रहे हैं, उनको पेमेंट आपको करनी पड़ेगी डॉलर्स के अंदर, वो रुपए रुपीज एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे, राइट, रुपीज शायद के रुपीज डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि उनकी डोमेस्टिक करेंसी में उनको पेमेंट दी जाए। तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो दिखता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड में या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो एक्सचेंज रेट का या फॉरेन एक्सचेंज का मतलब सिंपली ये होता है कि जो भी फॉरेन करेंसीज हमारे पास हैं या फॉरेन करेंसीज हमें देखने को मिलती हैं, और इस मैकेनिज्म के थ्रू हम देख रहे हैं कि जो भी पेमेंट्स हैं दो देशों के बीच में जो ट्रेड कर रहे हैं आपस में, उस चीज का सारा लेखा जोखा हम देख रहे हैं कि किसमें है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिस्टम में, फॉरेक्स के सिस्टम में।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए को सामान सेल कर रहा है, तो यूएसए यहां से क्या कर देगा, इंडिया को डॉलर्स दे देगा और हमारे पास फॉरेक्स आ जाएगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर मान लो हमें यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट करना है, हमें अगर यूएस से कुछ सामान इंपोर्ट करना है कि हमें सामान जो है यूएस से मंगाना है, हमें यहां से परचेज करना है, हमें यहां से बाय करना है, तो अब हमारे पास ये डॉलर्स आ चुके हैं, तो अब हम ये डॉलर्स जो है यहां से यूएस को दे सकते हैं पेमेंट्स में, हम यहां से यूएस को डॉलर्स जो है वो पेमेंट में दे सकते हैं। लेकिन आप ये डॉलर्स तभी दे सकते हैं जब आपके पास ये डॉलर्स होंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट करता है फॉरेन ट्रेड को, राइट। सो इट कवर्स द मेथड्स ऑफ पेमेंट, क्या पेमेंट कैसे करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पेमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटेटिंग सच पेमेंट्स, कि क्या रिजर्व बैंक है या वहां पे यूएस का रिजर्व, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, किस तरीके से ये पेमेंट जो है वो फैसिलिटेट की जाएंगी, कैसे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आ सकता है, वो सारा सारा किसके अंदर कवर हो रहा है, फॉरेक्स सिस्टम के तहत कवर हो रहा है। फिर एक्सचेंज रेट की यदि बात की जाए तो हमें देखने को मिल रहा है कि फॉरेक्स की डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, स्वैप किया जा सकता है या फिर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द सिस्टम और यू कैन से अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन नेशनल करेंसी इनटू अनदर एंड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मान लो रुपीज एंड डॉलर, ठीक है, एक एग्जांपल, या रुपीज एंड यूरो और या फिर रुपी एंड पाउंड, कोई भी हो सकता है। तो वो सब कुछ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, और उसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ। अब देखिए कि एक डॉलर जो है वो बनाम कितने रुपीज होगा, हाउ मनी रुपीज, ये तय करेगा कि डॉलर का एंड रुपी का एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मतलब यही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कि अगर आपको एक डॉलर चाहिए तो आपको क्या 70-80 रुपए देने पड़ रहे हैं, कितने रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। यदि आपको एक डॉलर के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि डॉलर का और रूपी का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 80 रुपीज, कि आपको 80 रुपए दे के एक डॉलर सामने से जो है वो मिल जाएगा, या अगर आप एक डॉलर देंगे तो आपको सामने 80 रुपए मिल जाएंगे। तो हम एक्सचेंज रेट में क्या बोल रहे हैं कि देखिए एक डॉलर बनाम एक रुपया जो है, 1947 का केस था, 2018 में एक डॉलर जो है वो 70 रुपए का, और आज के रेट में हमें देखने को मिलता है तकरीबन 80-82 रुपए का आपका एक जो डॉलर है वो मिलता है, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है, द रेट और द प्राइस यू कैन से एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी। क्या आप यहां देख रहे हैं कि ये डॉलर है और ये आपका इंडियन नेशनल रूपी है, तो कितने आपको रुपए देने पड़ेंगे यदि आपको एक डॉलर चाहिए, या फिर आप कह लो इसको दोनों करेंसीज को अगर आप गुड्स की तरह समझो कि ये दोनों चीजें जो है ना वो समान ही है, तो एक सामान लेने के लिए आपको या एक करेंसी से दूसरी करेंसी को परचेज करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ करेंसी लगेंगे, मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ इंडियन नेशनल रूपी लगेंगे, कि हाँ एक डॉलर चाहिए, ठीक है 80 रुपए लेके आओ तब एक डॉलर मिलेगा, तो वो क्या है, एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज रेट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि ये रूपी और डॉलर का जो रेट तय हुआ आपस में, कि एक तो हमने बोला डॉलर जो है वो 80 रुपए का है, तो ये किस प्रकार से तय किया गया। तो इसमें सबसे पहले देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है कि जो आपकी सरकार है, जो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है या फिर उसका जो सेंट्रल बैंक है, ये तय कर रहा है कि भाई हमारी करेंसी का जो है एक्सचेंज रेट ये होगा। तो मतलब कंट्रीज फॉलोइंग फिक्स एक्सचेंज रेट ऑल्सो नोन एज स्टेबल एक्सचेंज रेट या फिर पेग्ड एक्सचेंज रेट अग्री टू कीप देयर करेंसीज एट अ फिक्स्ड रेट एज डिटरमिंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड द वैल्यू ऑफ करेंसीज वाज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि किसी देश के पास कितना सोना था पुराने जमाने में, उस वक्त के हिसाब से ये तय किया जाता था कि कितनी इस करेंसी की वैल्यू होगी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो ये हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे कौन तय कर रहा है,
सरकार तय कर रही है कि आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो कितना हमने फिक्स किया है। दूसरा है आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या हो रहा है कि एक्सचेंज रेट जो है इसको हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपको अगर डॉलर और रूपीज के बीच में एक्सचेंज रेट जो है वो देखना है कि कितना होगा, तो वो तय किया जाएगा मार्केट फोर्सेस के द्वारा ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो इसका सीधा अर्थ क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं, फटाफट समझ में आ जाएगा। कि अगर हम देखें कि हमारे पास इंडिया के अंदर जो लोग हैं जो यूएसए से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा हैं। अगर देखो हमारे देश में जो लोग यूएसए से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा हैं, या हम यूएसए से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, हमें कौन सी करेंसी की रिक्वायरमेंट है। हम यूएसए सामान मंगा रहे हैं, यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम यूएसए से सामान मंगवा रहे हैं, यूएसए से सामान खरीद रहे हैं। अगर हम यूएस से सामान खरीद रहे हैं, अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं, तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी उनकी करेंसी में, डॉलर्स में। वो हमसे रूपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भाई रुपए में पेमेंट मत करो, हमें पेमेंट करो डॉलर में। तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने सभी लोग अमेरिका से अगर मान लीजिए सामान खरीद रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो उनको अमेरिका को पे करने के लिए कौन सी करेंसी चाहिए, अमेरिका का डॉलर, यूएस का डॉलर। अब यूएस का डॉलर अगर वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस के डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, डिमांड डॉलर की डिमांड जो है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, अब होगा क्या कि डॉलर की डिमांड जब बढ़ेगी, यानी कि लोगों को है कि भाई हमें सामान मंगाना है अमेरिका से, और अमेरिका से सामान मंगाना है तो मुझे पेमेंट करनी है डॉलर में, और अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं रूपी दे दूंगा यहां मार्केट में, और यहां से डॉलर्स उठा लूंगा या फिर डॉलर एक्सचेंज करके ले आऊंगा। अब मेरे पास डॉलर आ गए, अब मैं ये डॉलर यूएसए से इंपोर्ट करने के लिए सामान यूज कर सकता हूं। लेकिन इस खेल में हुआ क्या, देखो इस खेल में ये हुआ कि जो ये मार्केट में, एक मिनट रुको, मार्केट में यहां पे क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ गई और रूपी की डिमांड जो है वो कम हो गई। ये देखो, ये जब तुमने मार्केट के अंदर डॉलर लेना शुरू किया और रूपी देना शुरू किया, तो यहां मार्केट में क्या हो रहा है इस सिनेरियो की वजह से कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है डॉलर की दैट हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ चुकी है, और जो सप्लाई है रूपी का वो इंक्रीज हो चुका है। सप्लाई, डिमांड डॉलर की बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, क्यों, क्योंकि तुम मार्केट से डॉलर उठाते जा रहे हो, मार्केट से डॉलर विड्रॉ करते जा रहे हो, या मार्केट से डॉलर तुम उठा के रूपी को सप्लाई करते जा रहे हो। तो सप्लाई रूपी की बढ़ गई है और डिमांड डॉलर की बढ़ गई है, सप्लाई रूपी की बढ़ जाएगी, डिमांड डॉलर की बढ़ जाएगी, तो उससे होगा क्या कि डॉलर्स की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी एंड रूपी तुम्हारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा इन द मार्केट। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो दोबारा, कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, हर व्यक्ति डॉलर चाह रहा है कि उसके पास डॉलर हो, तो वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी रूपीज हैं, रुपए वो दे देगा मार्केट में, और वहां से डॉलर उठाने शुरू करेगा कि भाई मुझे डॉलर एक्सचेंज करके दे दो, मुझे डॉलर चाहिए, मुझे अमेरिका से सामान खरीद के लेके आना है, अमेरिका से सामान इंपोर्ट कर। तो इस केस में मार्केट में हम क्या देख रहे हैं कि डॉलर की सप्लाई घट गई है, रूपी की सप्लाई बढ़ गई है। और अगर डॉलर की सप्लाई घट गई है, रूपी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो यहां पे क्या होगा, डॉलर महंगा होना शुरू हो जाएगा। देखो ये सिंपल लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड और सप्लाई में हम ये देखते हैं कि जिस कमोडिटी की या जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे डिमांड किसकी बढ़ी है, डॉलर की, तो डॉलर यहां पे क्या हो जाएगा, डॉलर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो पहले एक डॉलर जो था वो तुम्हें मिल रहा था, $1 पहले वॉज इक्वल टू रुपीज 70,
ठीक है, तो अब शायद $1 जो है वो हो जाएगा 80 रुपए का। पहले $1 मिल रहा था 70 रुपए का, अब $1 मिलेगा 80 रुपए का, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ चुकी है और डॉलर की सप्लाई क्या हो चुकी है, डॉलर की सप्लाई कम हो चुकी है। तो रुपए के मुकाबले, रुपीस के कंपैरिजन में डॉलर जो है वो महंगा हो गया है। पहले $1 मिल रहा था 70 रुपए का, अब $1 मिल रहा है 80 रुपए का। तो इसको हम देख रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे या मार्केट फोर्सेस के आधार पे क्या हो रहा है कि डॉलर और रुपी की सप्लाई जो है वो डिसाइड कर रही है कि एक्सचेंज रेट जो है वो क्या रहेगा। पहले ये था आपका एक्सचेंज रेट, और अब आपका एक्सचेंज रेट हो गया 70 से घट के 80 रुपए। यहां पे हम बोल रहे हैं कि रुपी अगर 70 से गिर के 80 रुपए पे आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, रुपी गिर गया डॉलर के मुकाबले, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन नेशनल रुपी। और डॉलर की कीमत बढ़ गई तो डॉलर के लिए हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई है, सिंपल सी बात है हमने जो डिस्कस करी है। तो अब देखो हमने क्या देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोल रहे हैं, जो एक्सचेंज रेट हैं वो फ्रीली डिटरमिन किए जा रहे हैं बाय ओपन मार्केट, बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि किस करेंसी की कितनी डिमांड है और किस करेंसी की कितनी सप्लाई है। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें गवर्नमेंट जो है वो फिक्स नहीं कर रही, सरकार जो है वो फिक्स नहीं कर रही एक्सचेंज रेट को। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं एक्सचेंज रेट को। तो एक तो हो सकता है कि महंगाई किस देश में कितनी है, दूसरा इंटरेस्ट रेट कितने दिए जा रहे हैं, तीसरा करंट अकाउंट जो है उसमें डेफिसिट कितना ज्यादा है, तीसरा कर्जा कितना उठा रखा है, फिर ट्रेड के टर्म्स क्या हैं, देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है आर्थिक रूप से, राइट, रिसेशन है क्या, यानी कि GDP के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, ग्रोथ कम हो रही है, या फिर लोग स्पेक्युलेट कर रहे हैं। स्पेक्युलेट का मतलब ये है कि सिर्फ जो है अंदाजा चल रहा है, कि जो है ना तुक्केबाजी चल रही है कि यार रुपी जो है ना उसके या डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा, तो डॉलर्स अपने पास जमा करके रख लो, राइट। तो उसका मतलब होता है कि स्पेक्युलेशन, स्पेक्युलेट कर रहे हैं लोग, तथ्यों के आधार पे नहीं है, फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है, सिर्फ जो है हो सकता है रूमर्स के बेसिस पे वो सारा काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपके डिटर्मिन करते हैं किसको, एक्सचेंज रेट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो हमने बात की थी कैपिटल अकाउंट की, हमने बात की थी करंट अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी किसमें है, कैपिटल अकाउंट के अंदर है, और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि ये एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये अर्थ होगा कि आप किसी दूसरे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर यूएसए से, यहां यूएसए का कोई एक इन्वेस्टर है, ये यूएसए का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये इंडिया में कैसे इन्वेस्टमेंट चाह रहा है कि ये यहां पे आके ना किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंडियन कंपनी के साथ कुछ टाई अप करके जॉइंट वेंचर टाइप का काम कर रहा है, कि ये ना हमारी किसी इंडस्ट्री के साथ आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये हमारी कंट्री के अंदर बाहर से या अपने देश से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमारी किसी कंपनी के साथ मैनेजमेंट में भी शामिल हो रहा है, ये पैसा लेके आ रहा है, मैनेजमेंट में शामिल हो रहा है, उस कंट्री के शेयर्स खरीद रहा है, उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है सॉरी, और अच्छा खासा उसके अंदर योगदान देने का इसका मूड है। ये चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम एफडीआई में क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड और एफडीआई जो है ना ये आपस में काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि व्यापार के साथ सीधा संबंध है, कितना अच्छा आपका व्यापार है, कितने आपके फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितनी स्टेबल आपकी इकोनॉमी है, कितनी आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है,
वो सब कुछ तय करेगा कि कितने इन्वेस्टर्स बाहर से आके आपके देश के अंदर या आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा लगाने की इच्छा जो है वो रखते हैं, राइट। सो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा देश है, तो उसमें एफडीआई जो है नेचुरल रिसोर्स सेक्टर इंक्लूडिंग प्लांटेशंस इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम फॉरेन प्रोडक्शन बाय एफडीआई इज यूजफुल टू सब्स्टिट्यूट फॉरेन ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, तो आपके पास बाहर से डॉलर ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, जो हम देख रहे थे हमें मिल रहे थे किसमें, फॉरेन ट्रेड में। साथ साथ ये किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ट्रेड एंड रीजनल इंटीग्रेशन स्कीम्स। इसको समझते हैं एक एक करके ये क्या यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखो एफडीआई का सिंपल सरल मीनिंग ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन अ फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री का मतलब अगर मान लीजिए इंडिया जो है कहीं इन्वेस्ट करे जाके यूएसए में या नेपाल में या बांग्लादेश में या किसी भी और कंट्री में, और वहां जाके हम किसी वहां की कंपनी के या मान लीजिए अमेरिका की कंपनी के शेयर्स को खरीद के वहां मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लें, उनके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जाके कुछ एसेट्स क्रिएट करें या एसेट क्रिएशन के अंदर हेल्प करें, तो हम बोलेंगे कि हमने एफडीआई, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है उस दूसरी अर्थव्यवस्था में यूएसए के अंदर, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ये वही बात जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर मान लो यूएसए की कोई कंपनी, मान लो एप्पल यहाँ पे आके अगर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी के साथ टाई अप करता है, या कोई इन्वेस्टर यहाँ आके मान लो किसी कंपनी के साथ टाई अप करता है, जैसे मान लो यूएस का कोई इन्वेस्टर आके टाटा के साथ इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, इन्वेस्टमेंट लेके आए और उसके अंदर मैनेजमेंट में भी उसकी हिस्सेदारी हो, मैनेजमेंट के अंदर भी उसका योगदान हो, ठीक है, और मैनेजमेंट में उसका कंट्रोल भी हो, तो हम बोलेंगे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टाइप है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट करस्पॉन्ड्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इन अ फॉरेन कंट्री एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको भी डिस्कस करेंगे हम, राइट, विच इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड डज नॉट सीक मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब हम एफडीआई की बात कर रहे हैं तो एफडीआई के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर है उसका मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल भी है और पार्टिसिपेशन भी है, कि मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है लेकिन मैनेजमेंट के अंदर उसका जो है कंट्रोल भी आपने कुछ दे दिया। एक बात। दूसरी बात कि जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जनरली क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो समझो इस बात को कि जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट के अंदर हिस्सेदारी लेके आ रहा है या मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल ले रहा है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो चाहेगा कि वो लॉन्ग टर्म का सोच के आया है, वो जल्दी में इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेके जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है। और लॉन्ग टर्म के लिए आया है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर भी कर सकते हैं कुछ एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर मान लो वो व्यक्ति या जो वो निवेशक है वो लंबे समय के लिए निवेश लेके आया है, तो आप सोच सकते हो कि ठीक है मैं इस पैसे का इस्तेमाल करके, मैं इस मनी को यूज करके क्या कर सकता हूँ, कुछ फैक्ट्री नई बना सकता हूँ, नई मशीनरी खरीद सकता हूँ, अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड कर सकता हूँ, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिरदर्दी नहीं है कि ये जल्दी से पैसा लेके भाग जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए मनी लेके आया है तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एसेट्स की क्रिएशन में, लेकिन ये किसमें हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जनरली जो है ना ये एक स्टेबल स्थिर तरीके की इन्वेस्टमेंट है, स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको किससे, पोर्टफोलियो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से, जिसको आप एफपीआई बोल देते हो, जो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो वाला बात लिख रखी है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विच इज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड डज नॉट सीक मैनेजमेंट कंट्रोल। ये भी इन्वेस्टमेंट जो है ये आ तो रही है फॉरेन से ही, कि ये फॉरेन वाला कोई व्यक्ति जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है इसका मैनेजमेंट के अंदर ना तो कोई कंट्रोल है, नो कंट्रोल, एंड ना ही कोई पार्टिसिपेशन है, नो पार्टिसिपेशन, नो पार्टिसिपेशन। साथ ही साथ ये कितने समय के लिए आया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आया है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर आज उसको दिखता है, अमेरिका का कोई इन्वेस्टर है उसको दिखता है कि भारत में प्रॉफिट्स ज्यादा कमा सकता है,
या भारत में उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो वो भारत में आ जाएगा। कल को उसको दिख रहा है दो दिन बाद के यार लंदन में यूनाइटेड किंगडम में मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट ज्यादा मिलने का चांस है, तो वो यहां से अपना पैसा विड्रॉ करेगा, पैसा निकालेगा और पैसा लेके जाके लंदन में इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद मान लो उसको देखा कि लंदन से ज्यादा बेटर जो है वो उसको शायद कनाडा के अंदर वैंकूवर या टोरंटो के अंदर, वहां पे उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हो सकता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड किंगडम से, यूके से उठा के कनाडा में जाके लगा दे। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो दुनिया भर में देख रहे हैं कि कहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा मुनाफा ये कमा सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कमा सकते हैं, और ये अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पे जाके लगा देंगे। तो ये कैसी है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है और मैनेजमेंट में कोई इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और ये देखो ये कैसी होगी, ये रिलेटिवली एफडीआई के कंपैरिजन में उससे कम स्टेबल होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, इट इज रिलेटिवली अनस्टेबल शॉर्ट टर्म के लिए है। और ये मेरे कोई भी इट विल नॉट यू नो ये मुझे प्रोत्साहित नहीं करेगी नो एसेट क्रिएशन के, मैं इसको यूज करके ना एसेट क्रिएट नहीं करूंगा, नो एसेट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि भाई मुझे ना मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ये आज पैसा लेके आया है कल को पैसा लेके चला जाएगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा उसमें। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये डिफरेंस है फॉरेन पोर्टफोलियो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। तो हमने एफपीआई को क्या बोला, मींस द एंट्री ऑफ फंड्स इनटू अ नेशन वेयर फॉरनर्स डिपॉजिट मनी इन अ नेशंस बैंक और मेक परचेज इन द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट sometimes for speculation and FPI is part of capital account of BOP कि हमने जो balance of payment इसके अंदर जो हमारा एक capital account उस capital account के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास foreign direct investment FDI और जो तुम्हारा foreign portfolio या फिर foreign institutional investment है ये सारा का सारा किसमें जाएगा, capital account के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमने ये बोला कि यार यहाँ पे एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये कैसा काम हो रहा है, ये जो है ना शॉर्ट टर्म वाला काम हो रहा है, कोई लंबे समय वाला काम नहीं हो रहा। फिर देखो एफडीआई में क्या है हमारे पास, एफडीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, एक तो सेल का एक्सपेंशन, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्सिफिकेशन करना इन्वेस्टमेंट्स का और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव रिस्क। इसका सिंपल सीधा अर्थ ये हुआ कि जब बाहर से कोई निवेश आ रहा है या बाहर से कोई चीजें हमारे पास इन्वेस्टमेंट में आ रही हैं तो उस निवेश के चलते हमारे लिए उत्पादन के, प्रोडक्शन के, एसेट क्रिएशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही है, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, इज एन इन्वेस्टमेंट इन हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, है ना, या फिर A common term in the financial sector of India. For example, a mutual fund in the US can make investment in an Indian-based company. ठीक है जी, तो ये सारा आपका हो गया foreign direct investment and foreign institutional investment, FDI, FPI या फिर FII. तो अब देखो, an investment becomes foreign investment when foreign investment is done through foreign direct investment. Foreign direct investment में हमने क्या-क्या बातें करी? फटाफट रिवाइज करो एक बार। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई के अंदर हमने बोला कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर पहली चीज तो जो आपका मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ये मैनेजमेंट में पार्ट भी ले रहा है एंड मैनेजमेंट के अंदर इसका कुछ कंट्रोल जो है वो भी आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली कितने समय के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है एंड हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसी है, स्टेबल है। तीसरा, यहाँ पे ये चाहेगा कि कुछ एसेट क्रिएशन भी हो तो एसेट्स को क्रिएट करने में मेरी मदद करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चौथा, एफडीआई के अंदर हो सकता है, देखो जो बाहर से निवेशक लंबे समय के लिए पैसा लेके आ रहा है, जो लंबे समय के लिए अपनी पूंजी लगा रहा है, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये चाहेगा कि जिस कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ज्यादा ग्रो करे, वो ज्यादा और एफिशिएंटली काम करे ताकि प्रॉफिट्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसका भी यहाँ पे उसकी भी कमाई ज्यादा होगी। तो वो ये चाहेगा कि कुछ अगर टेक्नोलॉजी नई या बेटर टेक्नोलॉजी लेके आई जा सकती है तो वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे लेके आएगा, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इधर ये सारा कुछ नहीं होगा, इधर जो है ना वो इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा।
तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकता है, एसेट क्रिएशन लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है और मैनेजमेंट में इसका कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल में, यहाँ पे मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन या कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट में ना तो हिस्सा है ना कंट्रोल है। दूसरा, ये कैसी है, शॉर्ट टर्म के लिए, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड रिलेटिवली अनस्टेबल। तीसरा जो हम बोल रहे थे एसेट क्रिएशन, यहां पे होने के चांसेस कम है, नो एसेट क्रिएशन। एंड चौथा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहां पे नहीं हो रही, नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यहां सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट वो लेके आया शॉर्ट टर्म के लिए, जिस मोमेंट उसको लगेगा कि कहीं और उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वहां से चला जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला जो आपका एनसीईआरटी और तमिलनाडु ने कवर किया है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हमने डिस्कस करी हैं, इसको एक बार आप रीड कर लो या दोबारा से इस वीडियो को जो है ना देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, आपको जो है सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें सिर्फ ट्रेड हो रहा है किसमें, गुड्स में। हमने डिस्कस किया बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और कैपिटल अकाउंट में क्या है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या फिर जा रही हैं, जिसमें हमने दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर FPI, FII, राइट। तो वो सारा कुछ पार्ट है किसका, कैपिटल अकाउंट का, विच कलेक्टिवली करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ था गुड्स या फिर साजो सामान के अंदर जो भी आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। एक बार अगर मजा आया तो यार वो लाइक वाला बटन हिट कर देना, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, जय भारत, जय अखंड भारत।